खबर गाजीपुर से है, जहां शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। गाजीपुर जिला प्रशासन ने राइफल क्लब में कन्या पूजन का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में 51 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कन्या पूजन किया और कन्याओं को उपहार दिए। ये कार्यक्रम मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रतीकात्मक रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 51 बच्चियों को हमने सदर और शहर की आंगनबाड़ी परियोजनाओं से बुलाया है और सबका पूजन और उनको गिफ्ट स्वरूप बैग और उसमें खाद्य सामग्री पठन पाठन सामग्री दी गई है। और इससे यही मैसेज दिया गया है कि इस प्रकार हम अश्विनी नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं शारदीय नवरात्र में, तो उसको इस सरकारी कार्यक्रम से जोड़ते हुए बेटियों को बचाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि समाज में जागरूकता है इस विषय को। मैडम, देखा जा रहा है कि इस जो कार्यक्रम चला है इसमें कुछ मुस्लिम बच्चियाँ भी शामिल है, मुस्लिम परिवार, ऐसे लोग, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और बेटियाँ चाहे किसी भी परिवार की हो, किसी भी समुदाय की हो, समाज की बेटियाँ हैं और उनको सुरक्षित रखना और शिक्षित रखना और उनको अपने पैरों पर खड़े रहने का दायित्व पूरे समाज का है, तो वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सामाजिक सौहार्द में को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है और मैं उनका स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार हमारी सभी बेटियों का पूजन किया गया है, उसी प्रकार मैं सबको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो भी सब लोग के साथ पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मैडम, आज इस रात्रि के अवसर पे कन्या आंगनबाड़ी की अन्य कर्मचारी ने इसके लिए हमने कुछ किया।